सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। साबुन महंगा हो जाए तो आपने लगाना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। आटा महंगा हो जाए तो आपने खाना नहीं, आपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारटिक्स। बिहारटिक्स के आजकल में आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के घबराना नहीं तकिया कलाम पर बने गाने की बात। पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। आटा, दाल और सब्जियां ही नहीं, अंडे और मीट के दाम भी आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में लगी आग की तपिश पाकिस्तानी जनता अपने माथे पर महसूस कर रही है। हालात यहाँ तक हो गए हैं कि इमरान खान को कई प्रांत की मंडी समितियों को भंग करना पड़ा है। इतनी परेशानियों को झेलने वाली पाकिस्तानी आवाम अब अपनी क्रिएटिविटी के जरिए इमरान खान का जमकर मजाक उड़ा रही है। पाकिस्तान की सोशल मीडिया में एक गाना बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इमरान खान का प्रसिद्ध डायलॉग घबराना नहीं है का बार बार इस्तेमाल किया गया है, जिसमें गायक आटा, साबुन और चीनी की कीमतों को लेकर जमकर तंज कसा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। साबुन महंगा हो जाए तो आपने लगाना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। आटा महंगा हो जाए तो आपने खाना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। दवाई शवाई छोड़ो, इलाज न करो, बच्चों की पढ़ाई रहने दो, फीसे न भरो, आप पैसे जमा कर करके बस चेक संभरो, फिर पेट को पट्टी बांधो और भूख से मरो। कौम को लोरी देने दो, कौम को जगाना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। बेड़ा गर्क हो जाए पर आपने पछताना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। खबरों की माने तो कराची में जिंदा मुर्गे की कीमत 370 रुपए प्रति किलोग्राम और मीट की कीमत 500 रुपए तक पहुंच गई है। बड़ी संख्या में स्थानीय खरीदारों ने चिकन मीट की कीमतों में वृद्धि को लेकर गुस्सा जाहिर किया है, जबकि लाहौर में चिकन मीट की कीमत 365 रुपए प्रति किलोग्राम बताई जा रही है। मुर्गे के मीट का दाम बढ़ने के पीछे चारा और कच्चे माल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी है। आपको बता दें कि पिछले महीने प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश में बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बाजार समितियों को भंग कर दिया था। इमरान ने इस्लामाबाद में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्णय लिया था। दरअसल इन दोनों राज्यों से मिस गवर्नेंस और भ्रष्टाचार की खूब शिकायतें मिली थी। पाकिस्तान भीषण गैस संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान में गैस की सप्लाई करने वाली कंपनी सुई नॉर्दर्न 500 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट प्रतिदिन गैस की कमी से जूझेगी। गैस की इस भारी किल्लत की वजह से कंपनी के पास पावर सेक्टर को गैस की आपूर्ति रोकने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने समय से गैस नहीं खरीदा, जिसका खामियाजा अब देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहारटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।